क्या इतनी रात को आपको मैं ही मिला हूँ बैंड बजाने के लिए? चलिए चलिए साइड होइए, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, चलिए। अरे मैडम क्या चाहती हैं आप, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? अरे बोलिए कुछ तो बोलिए। अरे कौन है आप, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कयामत है। Not bad. वाह बहुत सुंदर नाम है आपका भाभी, लेकिन ये इस तरीके से राजपथ क्यों रोक रखा है? हमको पता चला है कि तुमने एक कंप्लेंट लिखाया है। हाँ लिखवाइए। तुम्हारी पत्नी जो खो गई है वो कंप्लेंट। जी जी बिल्कुल। तुमको वो वापस लेनी पड़ेगी। किसको, पत्नी को? कंप्लेन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। क्या बात कर रही हैं भाभी आप, मतलब मैं रिपोर्ट वापस क्यों लूंगा? अगर हम रिपोर्ट वापस लेंगे तो वो पुलिस वाले हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हम ये कह रहे हैं सबको एक अच्छी वाइफ चाहिए। तुम्हारे पास इतनी अच्छी वाइफ है फिर भी तुमको क्या समस्या है मुझको समझ में नहीं आ रहा। शराफत से ये जो तुमने कंप्लेन की है ना इसको वापस लो, समझ गए? वरना हम वो हाल करेंगे कि मुझसे एक कोई बात। क्या, 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 क्या बात? यही बात निकलेगी कि ऐसी तुड़ाई की है, ऐसी तुड़ाई की है कि ऐसी तुड़ाई हमारी किसी ने नहीं की, समझ गए? देखिए भाभी मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, इसी मान सम्मान के साथ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कंप्लेन तो मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम्हारी तो छोटा बॉन्ड। मैं छोटा बॉन्ड? ओह माय गॉड, छोटा बॉन्ड, माय नेम इज छोटा बॉन्ड। इनकी आंखों में पट्टी बांध के इनको गाड़ी में बिठाओ। नहीं 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 पट्टी नहीं। बंद करो। छोड़ दीजिए भाभी, छोड़ दीजिए। आराम से, अरे कहाँ लेके जा रहे हो यार? अरे धीरे चलाओ यार, धीरे चलाइए बंजी, धीरे चलाइए। लेकिन यार आप लेकर जा रहे, कहाँ जा रहे हम लोग? उसको मौज है। उतारो इनको बाहर। उतारो 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 भैया। अब तुम खड़े हो सफदरगंज के सबसे ट्रैफिक वाले एरिया में। अब तुम्हें करनी है ये सड़क पार। अगर तुमने ये सड़क पार कर ली तो तुम्हारा होगा बेड़ा पार। लेकिन अगर तुमने ये सड़क पार नहीं की तो उधर ही है एक हॉस्पिटल, वहाँ हो जाएगा तुम्हारा इलाज, समझ गए? तुमको बहुत शौक है ना लुक्का छुपी खेलने का, तो आज तुम देखोगे रोमांचक लुक्का छुपी। करो सड़क पार वरना आज तुम जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। कैसी औरत है यार। अरे शुरू हो जाओ। मैं मर जाऊंगा भाभी, मर जाऊंगा मैं। अरे करो सड़क पार। नहीं मैडम देखिए आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा आज, अभी इसी वक्त जाके। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब तुम्हारी खुलेगी पट्टी, छोटा बॉन्ड। ट्रैफिक का साउंड
मेरा नाम डॉन। आपने उल्लू बनाया ना? तुम वही हो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है लेकिन तुम्हारा दिमाग किधर घूम रहा पता नहीं। अब ये सब छोड़ो और तुम्हारा कंप्लेन तुम वापस लो। छोटा बॉय, सायरन हो गया, सायरन बंद करो। कयामत मैडम, मैंने साउंड कहाँ बजाया है? तो कहाँ से आवाज आ रही है? सायरन की आवाज वहां से आ रही है। पुलिस आ गई, पुलिस। कंप्लेन वापस ले लेना। चलो छोटा बॉन्ड, आया हूँ तो कुछ बॉन्ड के जाऊंगा, बांध के जाऊंगा। शेखर, आप यहाँ इस वक्त? ये गाड़ी बंद पड़ गई थी मेरी, तो वही लिफ्ट देख रहा था, कहीं लिफ्ट मिल जाए। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको छोड़ देते हैं हम। कहाँ जा रहे हैं आप? आपके थाने। तुम अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो? क्यों? मैडम, मुझे लगता है कि मैं गलत था, दिमाग घूम गया था मेरा, मूर्ख हूं मैं। मैडम आप ही बताइए, इतनी अच्छी आदर्शवादी दक्ष पत्नी मिली और मैं उसी को बदलने चला था? मैडम जो काम वो कर रही है, अगर उस काम में उसे खुशी मिल रही है तो मैं होता कौन हूं उससे उसकी खुशी छीनने वाला? नहीं, मैं उसे नहीं बदलना चाहता। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट खारिज कर दीजिए। एक बात बताओ शेखर, तुम ठीक हो ना? कोई तुम पर दबाव डाल रहा है ये सब करने के लिए? दबाव? कैसा दबाव? कोई दबाव नहीं है मैडम, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। आप प्लीज करिए ना मैडम, प्लीज, अब मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं मैडम, देखिए निकलना है, वो इंतजार कर रही होगी ना मेरा। प्लीज आप आपसे मिलता हूँ ना बाद में मैडम। अरे ये क्या हो गया ऐसे अचानक? हेलो मैडम, बिल्लू तो स्पाई, मुबारक हो, शेखर ने एफआईआर वापस ले ली। बहुत बढ़िया। देखना मैडम सर, ये कंपटीशन तो हमारा महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। करिश्मा मैडम, आप जीते। देख मैडम वापस आ गई। मैडम कैसे? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वापस नहीं आई है, हमारा टिफिन देने आई है। और हमें पता है आज खाने में क्या सब्जी बनी है। क्या होगी पुष्पा जी? भरवा करेला। इन्हें पता है ना हमें करेले पसंद नहीं है, तो जानबूझकर वही बनाया होगा। जब से सस्पेंड होके घर में बैठी है इन्हीं का तो राज चल रहा है भैया, जो खिला रही है खाओ। अब कहने सुनने को कौन है? पुष्पा जी आप न... क्या पुष्पा जी? क्या पुष्पा जी? सॉरी, जरा पूछो इनसे। घर की खूंटी पर टांगने के लिए इतनी संघर्ष और मेहनत से हासिल किया था अपना यूनिफॉर्म, ड्यूटी करने के लिए अफसर बनी थी, अपनी सास का टिफिन पहुंचाने के लिए। अच्छा लगता है इन्हें ऐसा देख के, हमारे जी नहीं चलता होगा इन्हें बिना वर्दी के देख के, और वो भी अपने ही थाने में। तो क्या करें हम पुष्पा जी, ये जो टिफिन सर्विस है ये किसी और थाना में जाके दे। किसी की बात मत मानिए, किसी की भी नहीं। आप मैडम सर से माफी क्यों नहीं मांग लेती? सॉरी बोल दीजिए ना, टंटा खत्म कर दीजिए, जरा सी तो बातें बोल दीजिए। नहीं, जरा सी बात नहीं है पुष्पा जी, और यहाँ सब जानते हैं कि ये जरा सा बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ हमारा महिला पुलिस थाना नहीं, इस दुनिया के हर महिला पुलिस थाना के सम्मान और उनके अधिकार का बात हो रहा है यहाँ पर। नंबर वन पोजीशन पाने का अधिकार, महिला पुलिस होने का सम्मान। जब हम हर महिला पुलिस थाना को ये मान सम्मान और अधिकार मिल जाएगा, हम ये लड़ाई छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए हमको। और हाँ पुष्पा जी, ये जो टिफिन है ना, इसमें भरवा करेला नहीं है, इसमें आपका फेवरेट राजमा चावल है। हमने सोचा कि हमारे राज में आप थोड़ा ऐश कर ले, और क्या। ओहो, राज में राजमा। चलते मैडम, थोड़ी देर और रुक जाइए ना प्लीज। हाँ मैडम रुकिए ना, बदनाम स्पेशल चाय बोलते हैं आपके लिए। पुष्पा जी, जी हमने जो आपको। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद, अच्छा लगा आपको देखकर।
बस वो सोचा जब तक पुलिस का ड्यूटी नहीं है तब तक बहू का ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा ले, तो टिफिन देने आए थे बस जा ही रहे। करिश्मा सिंह, आप इस थाने के लिए वर्दी में जितनी जरूरी हैं उतनी ही बिना वर्दी के भी हैं, और ये आपका घर है, आपका परिवार है, यहाँ आने के लिए आपको किसी सीनियर को सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप मानेंगी तो नहीं बट इट्स रियली गुड टू सी। और आप सब तैयार रहिए, थोड़ी देर में यहाँ पल्ले भी आने वाली है। शेखर की बीवी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुष्पा जी। जी मैडम। पिल्ले तुमने तो कहा था कि शेखर ने अपना केस वापस ले लिया, तो पर ये क्या है? ले तो थी। लिया था तो फिर पल्लवी क्या करने आ रही है उसकी बीवी यहाँ पे? हाँ? God knows my child. बस वहीं पहुंचोगे तुम अगर ये झूठ निकला तो गॉड के पास, समझ गए? क्यों चीते, शेखर की बीवी क्यों आ रही है? शेखर ने तो केस वापस ली ना। लेकिन मैडम सर ने उसका केस खारिज किया ही नहीं। क्या? वाओ। हाँ मैडम सर, हमें भी समझ में नहीं आया, शेखर चाहता ये केस खारिज करना तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ये एक प्रेशर में आकर कर रहा है, कोई और है जो उस पर कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाल रहा है, और आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ये केस तभी क्लोज होगा जब ये सॉल्व हो जाएगा। और करिश्मा सिंह जी, सी यू अगेन। आप बस जा रहे थे लेकिन अभी थोड़ी देर है। ओ गुड, बदनाम की चाय पी कर जाइए। आप तो जा रही थी ना मैडम? हाँ संतू, हम जा रहे थे, ए, अब हम रुक रहे हैं थोड़ी देर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा मैडम, आप ही का था ना, आप रुकिए ना। धन्यवाद। हा? क्यों क्यों मैडम सर इस केस के पीछे पड़े हैं? लगता है सॉल्व करके ही मानेगी। चुप रहो, नहीं सॉल्व होने देंगे हम ये केस को, FIR नहीं आने देंगे इस थाने में। शेखर को उसका कंप्लेन वापस लेना ही पड़ेगा। जी कहिए, किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? देखिए जल्दी बताइएगा क्योंकि मुझे घर पर बहुत सारा काम है। और ओह माय गॉड, क्या क्या हुआ? ये कैसे पर्दे लगाए हैं? आपकी कैबिन के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, किस बेवकूफ का काम है ये? हमारा। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे महिला पुलिस थाने ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, बेस्ट वुमेन कॉन्टेस्ट। हम दरअसल जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं उन सब के योगदान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। हमने हमारे आदमी भेजे, एरिया के हर एक कोने में वो गए और उन्होंने कुछ औरतों को शॉर्टलिस्ट किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कॉन्टेस्ट आप जीती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स। लेकिन ये और मुझे कैसे मिला? मेरा मतलब है मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। हम भले एक दूसरे को नहीं जानते हो लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए आइए बताते। अच्छा पुष्पा जी, चीता और संतोष। जी मैडम सर। ये है आपकी मेड चमेली। राम राम मालकिन। और यहाँ की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये है आपके ड्राइवर अब्दुल। और यहाँ के कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। और ये है आपकी नानी पिंकी। और यहाँ की कांस्टेबल संतोष शर्मा। ओह माय गॉड, ये सब? जी बाकियों की तरह ये आपके घर भी पहुंचे थे बेस्ट वुमेन के कॉन्टेस्ट की हकदार को ढूंढने के लिए, और इनकी तलाश आप पर आकर खत्म हो गई। Congratulations. Thank you. एक मिनट एक मिनट। अरे थैंक यू जीते। जीते। और ये रहा आपका मनाली हॉलीडे पैकेज 3 दिन के लिए, एकदम मुफ्त, रहना खाना पीना सब हमारी तरफ से। मैं अभी सबको बताती हूँ। एक मिनट एक मिनट, सबको? किसको? सबको मतलब मेरे ससुराल वालों को। सबको ये जानकर कितनी खुशी होगी कि हम सब साथ मनाली घूमने जाने वाले हैं। अब पल्लवी जी आपने शायद बात ठीक से समझी नहीं। दरअसल ये वाउचर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने कॉन्टेस्ट जीता हो।
इसे सिर्फ आप यूज कर सकती हैं। सिर्फ मैं? जी मैडम, अगर कंपटीशन आप अकेले जीती हैं, तो पुरस्कार आपको अकेले को मिलेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ससुराल वालों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, जैसे पहले जाया करती थी। हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, हम अच्छे से जानते हैं कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। इनफैक्ट आप बहुत बार सोलो ट्रिप्स पर भी गई हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि घूमना आपका फेवरेट शगल है, तो जाइए फिर। शगल? और तो और तो। हाँ, लेकिन वो शादी से पहले। तो अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ससुराल वाले हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकती। आओ बैठो बैठो बैठो। हम मानते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा परिवार है, लेकिन आपकी खुद के लिए जिम्मेदारी का क्या? आपकी खुद की खुशी का क्या? आपको वो सब करना चाहिए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। पल्लवी, जब आप अंदर से खुश रहेंगी ना, तभी आप किसी और को खुश कर पाएंगी। पल्लवी, जब आप खुद से प्यार करेंगी ना, तभी आप दूसरों में प्यार बांट पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपको इस ट्रिप पर अकेले जरूर जाना चाहिए। सही बात है। सही बात क्या है? ये गलत है, गलत। कुछ करो मैडम, कुछ करो, नहीं तो मैडम सर अपने जज्बातों का शहद उस औरत के कानों में टपकाती रहेगी और ये मैडम अपने डिसीजन की जलेबी बनाएगी, फिर वो अकेले चली जाएंगी, हमारे प्लान की तो लग गई। कुछ करो, कुछ करो। काहे, आप समझ नहीं आ रहा है, आप काहे ने इतना फोर्स कर रही हैं? जब ये नहीं जाना चाह रही हैं, तो इनसे जबरदस्ती आप मत कीजिए ना। करिश्मा सिंह, आप शायद भूल रही हैं कि फिलहाल आप सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमारे ऑफिशियल काम में अगर आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, हम थाना अधिकारी की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला होने की हैसियत से बात कर रहे हैं अभी। और माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप राइट्स का बात कर रही हैं ना, तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी कीजिए? जिनका खुद का शादी नहीं हुआ है, जिनको वैवाहिक जीवन का ABCD नहीं पता है, वो कहाँ से एक वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी करने लगे? ओह माय गॉड, इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं, इनका शादी नहीं हुआ है। कब करेंगी? क्या मतलब कब करेंगी? जब उनका मन करेगा तब कर लेंगी शादी। और आप इनकी बातों में मत आइए। हाँ, इनसे पूछे ये कौन सा जिम्मेदारियों का पहाड़ लेकर घूमती है। अगर घूम रहे होते तो आप बोलती मेरी बहू कितनी सुशील है, लाखों में एक है, सबसे अच्छी है। अब अगर यही हम इनको बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? हमें यही बोल रहे हैं ना कि ससुराल के साथ चलिए, ससुराल के बिना मत जाइए, क्या गलत बोल दिया हम? आप बहुत सही जा रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आप जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही रहना। किसी की भी बातों में आके अपना फैसला आप बदलना मत। अरे आप प्रेरणा हैं, हम बता रहे हैं सब बहुओं के लिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए आपसे कि कैसे एक अकेली महिला पूरा ससुराल को संभालती है, सच बता रहे हैं हम आपको। हाँ तो चलिए ना, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, आप तकलीफ मत लीजिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मुझे किस बात की तकलीफ, मैं सच कह रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये जैसे भी है ना ठीक है। हाँ, चलाते। अरे मैं कह रही हूँ, एक मिनट, मैं कह रही हूँ आपको, मैं सब कुछ सिखा दूंगी, आप चलिए मेरे साथ। और हाँ, ये लीजिए आपका इनाम, हमें नहीं चाहिए, हम हमारे ससुराल वालों को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। आइए। हाँ चलिए। करिश्मा सिंह, आप क्यों कर रही हैं ये सब? जहां तक हम आपको जानते हैं, आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं और शायद कभी बनेंगी भी नहीं, तो फिर ये सब कर ही क्यों रही हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम ये केस सॉल्व ना कर पाए और यहाँ इस थाने में कोई FIR ना लिखी जाए। अभी आपने हमें याद दिलाया कि हम सस्पेंड हो चुके हैं, अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि हम सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए आप हमारा सीनियर नहीं है जिनके हम हर बात पे हाँ में हाँ मिलाए और जिनका हर ऑर्डर हम फॉलो करें। आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम सर।
अकेले क्या क्या करेंगी वो हम कर लेते हैं, आप ये कर लो। अरे नहीं नहीं रहने दो, एक बहू जब ससुराल में होती है ना तो उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, समझी। मम्मी। हाँ बेटा। अरे हम करते हैं ना कुछ, हमें दीजिए ना आप काम। अरे तुम देखो कैसे फटाफट मैं सारा काम करती हूँ। अरे सासू माँ की चाय। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ अरे मैं ठीक हूँ। हम करते हैं ना आपका मदद, आप इतना। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। थैंक यू। सुपर वुमन बनने के चक्कर में पल्लवी कहीं अपनी जिंदगी जोखिम में ना डालते। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।